तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है। आज हम भारतीय संविधान क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज के अपने टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि आपके स्लाइड पे दिख रहा है कि टुडे द मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल ऑल डेमोक्रेट कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस जो इस स्लाइड है इस पे ये कहा गया है कि अधिकतर तो हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हर जो भी कंट्री है उस पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ना हो के और चीज़ों पे बेस्ड है। जैसे बहुत सारे देश अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जैसे कि अब अगर बात करें तो फैसिज्म है, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है और मोनार्ची है। ये सारे फॉर्म हैं बेसिकली अलग अलग पावर होल्ड करने के। तो कॉन्स्टिट्यूशन अब हम अपने जहाँ हम ज़्यादा दूसरे कंट्रियों की चर्चा न करते हुए सीधा भारत की बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली भारत का संविधान है जो कि भारत के लोगों ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ पर्पस सर्व करता है। क्या उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन जो हमारे देश के हैं उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है। सिटीजन क्या होते हैं? सिटीजन वो होते हैं जो किसी भी कंट्री की लीगल सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं, जो यहाँ के कम्युनिटी के लीगल मेंबर होते हैं किसी भी स्टेट के। स्टेट के अंदर जो पीपल कम्युनिटी के लीगल मेंबर होते हैं वो सिटीजनशिप के अंदर होते हैं, और उन्हीं की सुख सुविधाओं के लिए, उन्हीं के वेलफेयर के लिए, उन्हीं के कॉमन गुड्स के लिए, उन्हीं के आइडियल्स को अचीव करने के लिए भारतीय कानून बनाया गया है। ताकि जो भी हम क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का कल्चर है, अलग अलग प्रकार के हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दे हैं, अलग अलग प्रकार के रिलीजन है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है। तो इस वजह से इन सब लोगों को, और हमारे यहाँ जैसा कि जानते हैं ज़्यादा गरीबी है, और इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ताकि समाज में इक्वालिटी लाई जा सके और सबको बराबर रखा जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली उद्देश्य है कि ये हमारे जो वेलफेयर की बात है उस पर चर्चा करता है। अगर हम पहले बात करें तो पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पुलिस स्टेट पे बेस्ड था, वो स्टेट सेंट्रिक था, ना कि पीपल सेंट्रिक। और स्टेट सेंट्रिक और पीपल सेंट्रिक क्या होता है? स्टेट सेंट्रिक वो होता है जहाँ पे स्टेट सिर्फ अपने हित के बारे में ही चीज़ें बनाती है, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल ला। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, आज से 70 साल हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश को आज़ाद हुए, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमारा जो देश है वो पीपल सेंट्रिक होता जा रहा है। लोग अब स्टेट का मेन काम है वेलफेयर की बात करना। पीपल सेंट्रिक क्या होता है? पीपल सेंट्रिक वो चीज़ होती है जहाँ पे स्टेट पीपल के हित में काम करता है। जो भी काम करता है, क्योंकि जैसे कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, एजुकेशन देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, और उसके वेलफेयर की बात करनी, इक्वालिटी लानी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ जुडिशरी है, इन सब चीज़ों के लिए स्टेट बेसिकली अब पीपल सेंट्रिक हो गया है। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा हेल्प करता है, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली ये मतलब है कि हम ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिज्म बनाए हैं जिसके आधार पे हमारी कंट्री का क्या
प्रिंसिपल होंगे, क्या रूल्स होंगे जिससे कि पूरी कंट्री को चलाया जा सकेगा। तो बेसिकली ये है, अब हम चलते हैं कुछ चीज़ें कि आप सपोज मान लिया जाए कि अगर आपके देश में डेमोक्रेसी ना हो, अगर मान लीजिए कोई ऐसा अगर आप ही समझिए, अगर आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा या कोई ऐसी बॉडी नहीं होगी, तो आप ही समझिए एक देश में जहाँ कुछ भी नहीं है तो जो कैसे देश चलेगा। तो इसके लिए ये होगा कि जब कुछ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जो जो बड़े लोग हैं, जिन पावरफुल आदमी हो छोटे आदमी हो, वैसे तो इनजस्टिस सोसाइटी में आ जाएगा। इसलिए एक बॉडी, एक रूल्स, एक मैकेनिज्म बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का नाम का, ताकि उससे लोगों को जो भी अमीर गरीब है उनके बराबर का भेदभाव किया जा सके और सबको समाज में इक्वल जस्टिस की बात की जाए। जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है कि हम भारत के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने जस्टिस और के लिए, जैसे कि जस्टिस सामाजिक आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है कि सबको बराबर चुनाव लड़ने का अधिकार, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बात, इसी के उसके लिए हमारे उस पर सोशलिज्म शब्द का उपयोग किया गया है जो हमारे प्रियम्बल में दिया है। तो अगर अब हम बात कर रहे थे अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या होगा, तो इसका जीता जागता उदाहरण नेपाल है, जहाँ पे अभी तक मोनार्ची थी। मोनार्ची क्या होती है? मोनार्ची वो होती है जहाँ एक आदमी होता है तानाशाह, जो 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 अब वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ पब्लिक किसी चीज़ को वोट नहीं करती है। वहाँ ये होता है कि राजा ही सब कुछ देखता है, उसी के आधार पे चलता है। तो वहाँ इतनी लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाती है जितना डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ही लोग पीपल लोग ही एक किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि जाके सरकार बनाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं होता, राजा सब करता है। तो कभी कभी अब मोनार्ची में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोग जानबूझकर भी उस चीज़ को नहीं अपोच, क्योंकि हमको उन चीज़ों को मानना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे राजाशाही प्रथा होती है, क्योंकि जैसा कि मैप में दिखाया गया है। तो यही चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी ना होने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अब हम अपने तीसरे तरफ चलते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर हैं कि इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज एक्टिवेस्ट गर्ल फॉर इंडिपेंडेंस। हाँ, जैसा कि पता है कि हमारा देश ब्रिटिश राजाओं के अधीन रहा है या ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, तो हमारे जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर थे उनको ये एक लग रहा था कि इस तरह की जो भी हमारे खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं उनको कैसा एक ढांचा एक ऐसा कैसा ढांचा तैयार किया जा सके जिससे कि जो भी क्या एक प्लानिंग तैयार की जा सके कि हम अपना जो भी फ्यूचर में एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे कि पूरा देश गवर्न करेगा, तो वो कैसा होना चाहिए। तो एक तो हम इसीलिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ये सोचा, और हमारा बेसिकली इसमें उद्देश्य था कि हमें पता था कि हम लोगों के खिलाफ जितनी अनजस्टिस हुआ है उसको दूर करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हम लोग को इक्वालिटी देगा, लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकेंगे गवर्नमेंट में, जो कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था। तो ये ना बने भाई यार, अरे